hello everyone myself ms ranali dongre professor in civil engineering department nit polytechnic college nagpur in today's session i am going to deliver lecture on topic 3.1 that is introduction to rcc unit number 3 analysis and design of singly reinforced section now first is the course outcome of this Particular topic analysis and design of singly reinforced rectangular beam. Program outcome is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10. PO1 is a basic knowledge about particular analysis and design of singly reinforced rectangular beam. PO2 is a discipline knowledge. PO3 is the experiment and practices PO four engineering and tools, PO eight is individual and teamwork, PO nine communication, PO ten lifelong learning. Now the unit outcome after completion of this video lecture, student will able to choose pa partial safety factors as laid in IS provision for the given situation. Explain different types of load acting on given RCC structure. Now, the definition of RCC. First of all, the full form of RCC is reinforced cement concrete, and reinforced cement concrete is a composite material made up of concrete and steel. Reinforcement cement concrete core. कंपोजिट मटेरियल इसलिए बोला गया है क्योंकि कंक्रीट और स्टील को मिलके जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जो भी कॉम्बिनेशन है ये मटेरियल का इसको बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मीन्स कॉन्क्रीट में स्टील का यूज़ करना और दोनों में अगर बॉन्डिंग बन जाती है और उसी का यूज़ जब हम लोग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसी को बोला जाता है रेनफोर सीमेंट कॉन्क्रीट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट पजेज हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बट वीक इन टेंशन यू ऑल आर नो दैट अबाउट जो सीमेंट प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हाई रहती है बट वो टेंशन बियर करने के लिए वीक रहता है मीन्स किसी भी कॉन्क्रीट में हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये ज़्यादा होता है और वो वीक रहता है किस में इन टेंशन में इसीलिए स्टील प्रोवाइड करते हैं बिकॉज स्टील जो है वो स्ट्रांग रहेगा मीन्स उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है बट वो वीक रहता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए दिस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कंपनसेटेड बाय द यूज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जैसे कि यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट क्या है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी हाई रहती है और ये वीक है इसमें टेंशन में इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कंपनसेट किया जाता है यूज़ ऑफ स्टील यह टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम्पनसेट करने के लिए स्टील रेनफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है और यही कॉम्बिनेशन क्या बनता है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कौन बियर करेगा कॉन्क्रीट जहाँ की टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर करेगा कौन स्टील वेरी सिंपल द कॉन्क्रीट इज स्ट्रेंथन बाय स्टील द कॉन्क्रीट इज ए स्ट्रेंथन बाय स्टील कॉन्क्रीट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड किया जाता है स्टील का यूज करके एंड द रिजल्ट कम्पोजिट मास इज नोन एज और वही कंपोजिट मास को बोला जाता है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट और इसका शॉर्ट फॉर्म है आर सी सी मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट सीधे इमेज इस इमेज में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर स्ट्रेंथनिंग के लिए और कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर है इसमें रेनफोर्समेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार्स है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है और स्ट्रेंथ जो है इसकी हाई हो जाती है इसीलिए यहाँ पर स्टील और कंक्रीट के कॉम्बिनेशन को कंपोजिट स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट नाउ नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट हम देखेंगे कि रेनफोर्समेंट के फंक्शंस क्या है फर्स्ट फंक्शन है उसका टू कैरी डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन रेनफोर्समेंट का फंक्शन क्या है क्या कैरी करेगा वो डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन जो भी उसमें अप्लाई होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में तो ये कैरी करता है डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन इन केस ऑफ स्लैब बीम एंड वॉल ऑफ वाटर टैंक रेनफोर्समेंट इज़ मेनली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ चाहे वो स्लैब का कंस्ट्रक्शन है बीम बनाना है वॉल ऑफ वाटर टैंक है और रेनफोर्समेंट इज मेनली प्रोवाइडेड इन सभी कंडीशन में जो है वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही है टू कैरी डायरेक्ट और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या कैरी करने के लिए कि वो डायरेक्ट और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी कर सके स्टील हैंस इट इज़ कॉल्ड एज मेन स्टील और उसी को बोला जाता है मेन स्टील मीन्स क्या कैरी करेगा फर्स्ट फंक्शन रेनफोर्समेंट का क्या है कि वो कैरी करता है डायरेक्ट और बेंडिंग टेंशन नेक्स्ट फंक्शन है रेनफोर्समेंट का टू स्ट्रेंथन द कॉन्क्रीट टू रेजिस्ट कॉम्प्रेशन अब इसमें क्या होगा सेकेंड फंक्शन है कि टू स्ट्रेंथन द कॉन्क्रीट टू रेजिस्ट कॉम्प्रेशन मीन्स अब वो क्या करेगा कि ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है कॉन्क्रीट को कि वो कॉम्प्रेशन जो भी है अच्छे से उसको स्ट्रेंथन दे सके और रेजिस्ट कर सके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जो उसमें आने वाले हैं स्ट्रक्चर पे इन केस ऑफ़ कॉलम अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है इन केस ऑफ़ कॉलम द स्टील इज़ प्रोवाइडेड कॉलम के कंडीशन में स्टील को प्रोवाइड किया जाता है क्या रेजिस्ट करने के लिए डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस को भी रेजिस्ट करने के लिए इफ़ एनी द स्टील प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज मेन स्टील अब यही कॉलम के कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर स्टील प्रोवाइड किया जाएगा तो उसे भी क्या बोलेंगे मेन स्टील थर्ड फंक्शन है रेनफोर्समेंट का टू रेजिस्ट डाइगोनल टेंशन ड्यू टू शेयर अब और क्या रेजिस्ट करने का इसमें पावर है कि ये डायगोनल टेंशन ड्यू टू शेयर की वजह से भी क्या कर सकता है रेजिस्ट कर सकता है इन केस ऑफ बीम अब बीम के कंस्ट्रक्शन के लिए इन केस ऑफ अगर कहीं पे बीम बनाया जा रहा है स्टीरप्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट तो क्या होगा बीम के कंडीशन में बीम के कंस्ट्रक्शन में स्टीरप को प्रोवाइड किया जाता है टू रेजिस्ट डायगोनल टेंशन ताकि वो अच्छी तरीके से डायगोनल टेंशन जो है वो रेजिस्ट कर सके ड्यू टू शेयर जो भी वहाँ पे फोर्स आने वाला है शेयर फोर्स उसको रेजिस्ट कर सके अच्छे से एंड टू होल्ड दी मेन स्टील इन पोजिशन और जो मेन स्टील है उसको होल्ड करके रखे वही पोजिशन में नाव नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इज दैट टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ मेन बार्स इन कॉलम अब बकलिंग नहीं होना चाहिए इसीलिए जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में तो वो क्या प्रिवेंट करेगा बकलिंग ऑफ मेन बार इन कॉलम द स्टील इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर स्टील को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कुलर लेटरल टाइज और स्पाइरल टू प्रीवेंट बकलिंग ऑफ मेन बार इन कॉलम्स अब मेन बार जो हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करते हैं अगर ये बकलिंग नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले स्टील को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर लेटरल टाइज को भी वहाँ पे यूज़ करेंगे और स्पाइरल को अब ये सब क्या करेगा टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ मेन बार्स इन कॉलम नेक्स्ट फंक्शन of reinforcement is that to resist spiral cracking due to torsion. अब जो torsion के वजह से spiral cracking होता है वो भी ये resist करता है The box type mesh of reinforcement. अब इसमें किस type की reinforcement provide करेंगे Box type mesh of reinforcement to resist torsion. क्या resist करने के लिए torsion? सिक्स फंक्शन है रेनफोर्समेंट का टू डिस्ट्रीब्यूट कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एंड टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड श्रिंकेज ये क्या करेगा रेनफोर्समेंट सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड ठीक है हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को और रिड्यूस करेगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड श्रिंकेज उसको नहीं होने देगा किसी भी स्ट्रक्चर को इट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अब इसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के रूप में प्रोवाइड किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में द फंक्शन ऑफ दिस स्टील इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड लोड अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स को और टू रिड्यूज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टेम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करता है और श्रिंकेज नहीं होने देता एंड टू होल्ड मेन बार्स इन पोजीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के वजह से क्या होगा एक तो वो लोड को कॉन्सेंट्रेटेड लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी करेगा और श्रिंकेज भी नहीं होने देगा और जो मेन बार्स प्रोवाइड किए हैं वो होल्ड करके रखेगा उसी पोजिशन में नाव Next is advantages of reinforced concrete. The constituents of RCC are easily available. Concrete can be easily molded to any desired shape. It is possible to make the concrete of desired strength by proper proportioning of mixture. It can be made watertight. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ आर के वो ईजिली अवेलेबल रहते हैं कॉन्क्रीट कैन बी ईजीली मोल्डेड टू एनी डिज़ायर शेप में मोल्ड किया जा सकता है ये इसका एडवांटेजेस है इट इज़ पॉसिबल टू मेक द कॉन्क्रीट ऑफ डिज़ायर स्ट्रेंथ और अगर हम लोग रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट में यूज़ करते हैं तो कॉन्क्रीट ऑफ डिज़ायर स्ट्रेंथ उसे मिलेगी बाय प्रॉपर प्रपोशनिंग ऑफ मिक्सिंग इट कैन बी मेड वाटर टाइट भी होगा वो तो ये इसके मेन एडवांटेजेस है इट इज़ ड्यूरेबल जो रेनफोर्स कॉन्क्रीट है वो ड्यूरेबल रहेगा इट इज़ अ फायर रेजिस्टिंग भी रहेगा इट्स मेंटेन कॉस्ट इज़ प्रैक्टिकली नील और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो प्रैक्टिकली नील रहेगी बिकॉज जो भी स्ट्रक्चर है कहीं सालों तक की उसकी लाइफ स्पैन रहती है दैट्स वाई इट्स मेनटेनेंट कॉस्ट इज प्रैक्टिकली नील इट इज केमिकल रेजिस्टेंट भी है इसका मेन एडवांटेजेस है वो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल कौन से है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है नाउ फर्स्ट इज अ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फील्ड सीमेंट इज अ मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस मटेरियल सच एज अ लाइम स्टोन चौक सिलिशियस मटेरियल इन अ फिक्स प्रपोर्शन अब फर्स्ट कॉन्स्टिटेंस क्या है फर्स्ट है सीमेंट और जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग फील्ड में सीमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता ही है फॉर अ कंस्ट्रक्शन पर्पज नाउ नेक्स्ट इज अग्रीगेट यू ऑल आर नो अबाउट द एग्रीगेट एग्रीगेट अ मिक्सचर ऑफ ओनली सीमेंट एंड वाटर इज अ कॉस्टली एंड अ पज एज अ लो स्ट्रेंथ अगर सिर्फ सीमेंट में ही वॉटर एड कर दिया तो लो स्ट्रेंथ ही रहेगी श्रिंक अन एक्सेप्टेबली ऑन ड्राॅइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूज़ कॉस्ट एंड मॉडिफाई सच प्रॉपर्टीज एज अ स्ट्रेंथ अगर कॉस्ट को रिड्यूज़ करना है और उसके प्रॉपर्टी को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना है और रिड्यूज करना है ड्राइंग श्रिंकेज तो जनरली एग्रीगेट्स का यूज़ होता है इट इज़ यूजल टू इंट्रोड्यूज इनसॉल्यूबल नॉन सीमेंटीसीस पार्टिकल्स डिस्क्राइब एज एग्रीगेट नेक्स्ट कॉन्स्टिक्वेंस इज वाटर वाटर प्ले एन एक्टिव रोल इन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ड्राई कंडीशन में अगर सीमेंट है तो उसमें कोई हीट जनरेट नहीं होती बट वी आर

तो वाटर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है नेक्स्ट इज एडमिक्शियर द वर्बिलिटी एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर वर्केबिलिटी बढ़ानी है किसी भी कॉन्क्रीट की और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बनानी है तो जनरली एडमिक्शर्स का यूज़ किया जाता है एंड दी स्लम लॉस ऑफ द कॉन्क्रीट विथ एंड विदाउट द यूज़ ऑफ एडमिक्शर शेल वी इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ट्रायल मिक्सर्स बिफोर यूज़ ऑफ़ एडमिक्शियर और एडमिक्शियर अगर मिक्सअप करते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ेगी और उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी कॉन्क्रीट की see the image of cement this is a cement and aggregate this is a constituents material which is generally used next is the water and admixture admixture improve the workability of concrete and compressive strength एडवांटेजेस ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट अब स्टील रेनफोर्समेंट का एडवांटेजेस है फर्स्ट इट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाई उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई रहती है स्टील की इट कैन डेवलप गुड बॉन्ड विथ कॉन्क्रीट ये अच्छा बॉन्ड बनाता है कॉन्क्रीट के साथ ये इसका एडवांटेजेस है इट्स कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द कॉन्क्रीट इट इज़ फ्रीली अवेलेबल नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन first definition of rcc functions of reinforcement advantages of reinforced concrete constituents materials and its properties like cement aggregate water and admixture advantages of steel as a reinforcement these are the msbt questions which is asked in examination first Definition of RCC. Second, what are the functions of reinforcement? Third, state the advantages of concrete. Fourth, write constituents material and its property. Fifth, state the advantages of steel as a reinforcement in next video lecture we will discuss about types of limit state thank you